ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡਾ ਬੜਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ। देखिए हमारे मोर्चे के अंदर 10 दिन में 4 शहीद हो चुके हैं और एक शहीद इस तरीके से हुआ है। हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार की का जो करूर चेहरा नंगा किया है इस नौजवान की शहादत ने। और एक ध्यान में रखनी चाहिए आपको बात के वर्ल्ड के अंदर पार्लियामेंट हो रही है, पार्लियामेंट के अपॉइंटमेंटों के अंदर हमारे शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित हो रही है, इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अब इतनी जल्दी अपने शहीद को भूल नहीं सकते। हम उनको पूरे देश के अंदर उठाने के लिए जो भी हमारी जिम्मेदारी बनती है हम वो निभाएं, इसी के लिए हमारा ये कार्यक्रम दिए गए हैं। एक साड़ी बेटी ने नौकरी का ऐलान किया है, असी वो करोड़ की राशि से सरकारी नौकरी नू मुड़ तो रद्द करते हैं। सानू साडे बच्चे FIR से वो सलाखा पिछे चाहिए, सानू पैसा नहीं चाहिए, सानू इंसाफ चाहिए। जदों सानू इंसाफ मिल गया सानू जथेबंदी कहूगी छोटे बच्चे नू इंसाफ दवाता, असी उसे टाइम उसके बच्चे का संस्कार कर देंगे। अदरवाइज साडे ते प्रेशर ना पाया जाए, सानू असी पहले ही दुखी हो दुखी ना किया जाए। देखिए पूरे देश के किसानों को मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है भाइयों, जो भी पेट भर खाना खाना चाहता है, जिसके अंदर जरा सा भी किसान का दर्द है, जिसके अंदर किसान का और किसान की पैदा की हुई गेहूं का बना हुआ खून दौड़ रहा है, उस सब की यह जिम्मेदारी बनती है कि इसी गेहूं को बचाने के लिए, इसी उत्पाद को बचाने के लिए हमारे इस नौजवान शुभकरण सिंह ने कुर्बानी दी है। पूरा देश इसके ऊपर ध्यान दे। कल हमारा निवेदन है हर जगह पे, हर 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 ऑर्गेनाइजेशन को, भले वो व्यापारियों की ऑर्गेनाइजेशन हो, भले वो ड्राइवरों की ऑर्गेनाइजेशन हो, भले किसी तरह की और ट्रांसपोर्ट हो, कोई भी हो, सब अपनी अपनी जिम्मेदारी समझें और अपने अपने घरों पे हमने कल से आह्वान किया है, जिन्होंने झंडे काले झंडे लगाकर रोष प्रदर्शन किया सबका तय दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत भारी संख्या में आज अदर स्टेटों से बात आई है सामने, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि कल का दिन जो रह गए हैं भाई उनको वो करना चाहिए। और मेरा निवेदन है कि कल शाम को पूरे देश के अंदर उन शहीदों के लिए कैंडल मार्च का व्यवस्था करें और कैंडल मार्च किया जाए और हर एक के पास उस हमारे शहीद की शुभकरण की एक बड़ी तस्वीर लेकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाए। पंजाब सरकार ने तक FIR दर्ज नहीं किया है शहीद शुभकरण सिंह के मामले में, अब आप लोग आगे क्या करेंगे? जो मांगे थी 1 करोड़ भी दिया गया सरकारी नौकरी में, उनकी बहन को दी गई सहायता दी गई, FIR दर्ज नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आप लोग? नहीं, मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। पंजाब सरकार के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। हमने बहुत बार सरकार के भुलेखे दूर किए हैं, सरकार किसी तरह का भुलेखा ना पाल ले कि किसान, इतने सारे किसान बॉर्डरों के ऊपर बैठे हैं, वही किसान हैं जब दिल्ली बॉर्डर पे भी बैठे थे और इधर भी लड़ाई लड़ रहे थे, और वो किसान अब भी हैं, घरों में बैठे हैं। हर गांव से पांच पांच चार चार तो व्यक्ति आए हैं, बाकी तो घरों में बैठे हैं ना, वो इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। मैं सरकार को निवेदन भी करता हूं और चेतावनी भी देता हूं कि तुरंत इसके ऊपर संज्ञान ले, उन अधिकारियों के खिलाफ, उस सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे पंजाब गवर्नमेंट, और साथ ही साथ में जो हमारे यहाँ व्हीकल्स का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना पंजाब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, उसकी ये जिम्मेदारी होती है। जो पुलिस हमारे पास लगाई जाती है किसके किस पर्पज के लिए लगाई जाती है, वो प्रोटेक्शन करने के लिए लगाई जाती है, हमारी प्रोटेक्शन करना उनकी जिम्मेदारी होती है, और उन्होंने जिम्मेवारी से यहाँ सरकार भागी है। और दूसरा हमारे जो मेडिकल कैंप्स हैं उनका बहुत भारी नुकसान किया गया है, उसके अलग से FIR दर्ज की जानी चाहिए, क्योंकि जो मेडिकल कैंप्स होते हैं उनको तो मैदान जंग में भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, और ये बहुत मतलब घटिया और ये कहूँगा गैर संवैधानिक काम किया गया है सरकार की ओर से। धन्यवाद।